दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप के बिल्कुल उत्तरी छोर में स्थित एक बेहद सुंदर और विकसित देश आइसलैंड के बारे में। 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में फैला आइसलैंड दुनिया का 107वां बड़ा देश है। आकार के लिहाज से यह भारत के एक राज्य तेलंगाना के बराबर है। चारों तरफ से समुद्री ग्लेशियर से घिरे होने के कारण आइसलैंड अपनी सीमा को किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता है। आइसलैंड को कुल 8 राज्यों में बांटा गया है। दोस्तों जैसे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, उसी तरह आइसलैंड की कैपिटल रेग्जाविक दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है। साथ ही साथ रेग्जाविक को दुनिया का सबसे शांत और सुंदर शहर भी माना जाता है। दोस्तों आइसलैंड की पॉपुलेशन का लगभग 60% हिस्सा अकेले रेग्जाविक में ही रहता है। दोस्तों आइसलैंड की पॉपुलेशन मात्र 3,70,000 है, जो हमारे देश के सबसे कम पॉपुलेशन वाले राज्य सिक्किम की भी लगभग आधी है। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ की मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग आधी है, यानी एक आइसलैंडिक क्रोना बराबर 0.57 इंडियन रुपीस। यहाँ का कॉलिंग कोड +354 है और लोग यहाँ पर दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जैसे हमारे घरों में कुत्ते, बिल्ली और तोते जैसे जानवरों को पाला जाता है, वैसे आइसलैंड के लोग अपने घरों में अजगर, सांप, छिपकली और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों को पालते हैं। हालांकि आइसलैंड में किसी भी जहरीले जानवर को पालना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी यहाँ अपने शौक के लिए लोग इन्हें पालते हैं। दोस्तों आइसलैंड दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक माना जाता है। आइसलैंड की साक्षरता दर लगभग 100% है। इसके साथ ही यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा बुक पढ़ने वाले लोग माने जाते हैं। हर आइसलैंडिक हर साल लगभग 10 किताबें जरूर पढ़ता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही आइसलैंडिक लोग दुनिया में सबसे ज्यादा थिएटर में मूवी देखने वाले लोगों में भी गिने जाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति हर साल लगभग 12 बार सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर आलू को सड़ाकर एक बेहद बदबूदार बियर बनाई जाती है, जो यहाँ पर ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर है, जिसे यहाँ के लोग बेहद चाव से पीते हैं। इसके साथ ही यहाँ हर साल 1 मार्च को बियर डे की तरह मनाया जाता है। इस दिन पूरे आइसलैंड में बियर पीने के कई कॉम्पिटिशन आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों जैसे हमारे तिरंगे में हरा रंग हरियाली का, सफेद रंग शांति का और केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, उसी तरह आइसलैंड के झंडे में नीला रंग पहाड़ों का, लाल रंग आग और लावे का और सफेद रंग बर्फ का प्रतीक है। इसके साथ ही झंडे में बना क्रॉस का निशान नॉर्डिक देश के झंडों की एक खास पहचान है। आपको बताता चलूं कि नॉर्डिक देश नॉर्थ पोल पे स्थित 5 देशों को कहा जाता है, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शामिल है और इन सभी के झंडों में क्रॉस का निशान है। दोस्तों आइसलैंड यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पॉर्न देखना गैर कानूनी है। इसके साथ ही यहाँ पॉर्न फिल्मों की शूटिंग करना भी कानूनन अपराध है। इसी कारण यहाँ की कई लड़कियाँ पॉर्न स्टार बनने की चाहत में आसपास के यूरोपीय देशों में जाके बस रही हैं। दोस्तों आपने बच्चों के चहेते सेंटा क्लॉस का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने सेंटा क्लॉस के भाई का नाम सुना है? नहीं सुना तो चलिए मैं बताता हूँ। असल में सेंटा क्लॉस की तरह ही बच्चों को गिफ्ट देने के लिए आइसलैंड में यूल लैंड्स नाम का एक किरदार है, जो बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट देकर उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। दोस्तों यहाँ पर 100 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे हरदम विनाशकारी लावा निकलता रहता है। लेकिन आइसलैंड ने इतनी गंभीर समस्या को भी अपने पॉजिटिव सोच के दम पर अपने हक में कर लिया है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आइसलैंड ज्वालामुखी से बिजली बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये अपनी खपत की 90% बिजली का उत्पादन इन्हीं ज्वालामुखियों से करता है। वैसे आइसलैंड की इस पॉजिटिव सोच के लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों आपने आज तक कई तरह के म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन पुरुष लिंगों को संरक्षित करके रखने वाला म्यूजियम आपने शायद ही कभी देखा हो। आइसलैंड का फोलोलॉजिकल म्यूजियम दुनिया का एक लौता लिंग म्यूजियम है, जहाँ पर कुल 300 से भी ज्यादा डिजाइन के पुरुष लिंगों को सजा कर रखा गया है। दोस्तों आइसलैंड में पेकिंग बर्ड नाम का एक बेहद सुंदर समुद्री तोता पाया जाता है, जिसकी चोंच नारंगी और काली तथा शरीर काला और सफेद होता है। लेकिन इतनी खूबसूरत पेकिंग बर्ड की यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि अभी कुछ सालों से ही आइसलैंडिक लोगों द्वारा इसे खाने में बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। पेकिंग बर्ड के दिल से बनने वाली पेकिंग हर्ट नाम की डिश यहाँ की एक मशहूर डिश है, जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों पर्यटन के लिहाज से आइसलैंड दुनिया के 20 सबसे पसंदीदा देशों में से एक है। यहाँ हर साल लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। यहाँ रेग्जाविक में स्थित गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग लोकेशन, ब्लू लैगून झील, साउथ आइसलैंड में स्थित खूबसूरत वाटरफॉल, हुएलो का शहर हुसाविक और बर्फ में घोड़े दौड़ाने जैसे खूबसूरत नजारों का मजा लिया जा सकता है। दोस्तों वैसे यहाँ का मौसम इतना ठंडा भी नहीं जितना इसके नाम से लगता है। यहाँ सर्दियों का तापमान लगभग 0 से -10 डिग्री और गर्मियों
का तापमान 10 से 20 डिग्री तक रहता है। यहाँ घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मई से लेकर सितंबर के बीच में होता है, क्योंकि इसी समय यहाँ पर 24 घंटे सूरज दिखाई देता है, यानी इन दिनों में यहाँ रात होती ही नहीं। इसी वजह से यहाँ के काफी लोग आपको रात में 2 बजे गोल्फ खेलते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों, आइसलैंड के लोग जादुई बौने लोगों की एक काल्पनिक कहानी पर आज भी भरोसा करते हैं। वो मानते हैं कि आइसलैंड के उत्तरी हिस्से में बौने लोगों की एक जादुई शक्तिशाली प्रजाति रहती है, जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बर्बाद कर देते हैं। अभी कहानी कितनी सही है कितनी गलत, ये तो वही लोग जाने। दोस्तों, आपको जानकर हंसी आएगी कि यहाँ के लोग इस लैंडिगा नाम के ऑनलाइन डेटिंग ऐप का यूज अपनी सेटिंग करने के लिए नहीं, बल्कि किसी रिश्तेदार से सेटिंग ना हो जाए इससे बचने के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी बेहद कम होने के कारण ज्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसी समस्या को देखते हुए इस ऐप को बनाया गया है। दोस्तों, आइसलैंड अपने खूबसूरत झरनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन आपको इन झरनों में नहाने से पहले भी एक बार नहाना पड़ेगा, वो भी बिना कपड़ों के। अब आप कहोगे, बागी भाई ये क्या बता रहे हो, क्या हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है? तो मैं कहूंगा, भाई बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। असल में इन झरनों में नहाने वाले पानी का इस्तेमाल घर की वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है, इसी कारण इन झरनों में किसी को भी कपड़े पहनकर नहाने की इजाजत नहीं होती है। यही कारण है कि यहाँ पर लड़कियां आपको कहीं भी बिना कपड़ों के नहाते दिख जाएंगी, और यहाँ के लिए एक बेहद आम बात है। तो अगर आप भी आइसलैंड जा रहे हैं तो झरनों में नहाना और देखना, अरे मेरा मतलब है झरनों को देखना, बिल्कुल भी ना भूलें।